हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ सोकर और सर ना मेरा बहुत तेज़ दुख रहा है। सर में बहुत जो है ना मेरा दर्द है, क्योंकि सर्दी जो है ना अब अच्छे से पड़ने लगी है और ठंड की वजह से ना मेरा सर बहुत तेज़ी से मतलब दर्द कर रहा है और दुख भी रहा है। ऐसा दुख रहा है जैसे कि मेरे सर पर कोई भारी सा जो है ना वेट रख दिया हो और कुछ इस तरह से मतलब दुख रहा है। तो मैंने ना अपने सर पर केप लगा लिया है और बेटी को ढक दिया है बढ़िया से, क्योंकि उसको जो है ना फीवर हो रहा है, बहुत हाई फीवर, और उसको कोल्ड हो गया है और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं ना दोबारा से सो करके उठी हूँ। अभी करीब हो रहा है 9:30 का टाइम और मैं सुबह 5:30 बजे भी उठी थी। बेटे का ब्रेकफास्ट करवाया और हस्बैंड जी का उसका लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने के बाद मैं ना उसको भेज दिया है उस स्कूल, और हस्बैंड अपने काम पर जा चुके हैं। और अभी मौसम के हालात देखिए, करीब 9:30 का टाइम है और धूप का बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है मौसम जैसे कि बारिश नहीं होती है ना, जैसे बारिश बारिश सी होती है, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। और ऊपर आसमान में देखने के बाद में ना मतलब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ है, जैसे कि शाम हो गई है। और फ्रेंड्स, ये देखिए किचन जो है बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा है, जैसे कि मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ। तो अगर किचन अगर क्लीन होता है ना, तो सच में जो है ना मूड ठीक रहता है। अगर थोड़ा सा भी मैसी हो जाए तो फिर तो मूड का जो है ना ख़राब होना ही है, मतलब पूरे मूड की बैंड बच जाती है, सच बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस जो है रात को जैसे कि जब हम लोग सोते हैं ना, तो मैं कर्टन्स जो है अपने लगा देती हूँ ताकि हवा नहीं आए। हमारा घर खुला हुआ है ना, इस वजह से तो हवा आती है बहुत तेज़, तो वो रूम के अंदर तक जो है ना फर हवा जो है ना लगती है मतलब हमें, तो इस वजह से मैं कर्टन्स लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ गर्म पानी लेकर पीने के लिए, जिससे कि मेरी रोज़ की हैबिट ही है। रोज़ डेली ही मैं ना एक गिलास पानी पीती ही पीती हूँ हर हाल में, तो बस वही मैं पी रही हूँ। और सच बताऊँ, आज जो है ना ठंड का पूरी तरह से एहसास हो गया है, मतलब अब जो है सर्दी लगने लगी है, बहुत तेज़ ठंड लगने लगी है। और कल शाम, पता है कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि कल मैंने अपने कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था, लाइट भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मुझे शाम हो गई थी। शाम को ही जो है कपड़े वगैरह धोने के बाद और घर के सारे काम निपटाने के बाद में ना मैं नहा ली, मतलब शाम के रात ही हो गई थी। और फिर उसके बाद में बाल तो गीले ही रहने थे, तो मेरे सर में इतनी तेज़ कोई दर्द हुआ कि बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ दुखने लगा। वैसे तो मैंने जो है ना बालों से जो है बालों पर मतलब पूरे सर पर चुनरी जो है ना लपेट ली थी, सारी चुन्नी को मतलब बालों से सारे सर को जो है कवर कर लिया था, बाल वगैरह सारे, लेकिन फिर भी जो है देर से नहाने की वजह से और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो जो है ना सर में बहुत तेज़ दर्द रहा, बहुत तेज़ और भारी भारी रहा था। और फिर बेटी की जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो रात भर उसने भी जो है ना मुझे सोने नहीं दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर था और उसको जो है ना खांसी भी हो रही थी, तो उसको जो है ना नींद ही नहीं आ रही थी। और रात भर मैं उसको लेकर इसी तरह से बैठी रही और उसके ऊपर जो है दम करती रही कुछ ना कुछ पढ़कर, तो इस तरह से पूरी रात जो है मेरी गुजरी। तो फिर मैंने क्या किया, हस्बैंड जी को और बच्चे को जो है ना मतलब मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद में और हस्बैंड को काम पर भेजने के बाद में ना मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द था और नींद तो बिल्कुल जो है आई नहीं थी रात भर, तो इसी वजह से मैं सो गई थी। लेकिन फिर भी जो है ना करीब मैं 1.5 घंटा ही सोई होंगी। फिर मुझे घर के काम की जो है ना फिक्र लगती रहती है कि घर के सारे काम निपटाने हैं, वो भी सब जो है करना है, तो बस मैं उठ गई थी जो है 1-1.5 घंटे के बाद ही। तो करीब 9:30 बजे उठने के बाद में जो है मैंने गर्म पानी वगैरह पिया, फिर जो है उठने के बाद चाय वगैरह बनाई, बेटी को जो है मैंने हाथ मुँह उसका धुलाया, फिर उसके बाद में दूध लेकर आए थे हस्बैंड, तो रात बेटी की तबीयत ख़राब की वजह से ना वो भी मैंने जो है ना गर्म नहीं किया था, वो वैसे ही मैंने रख दिया था, तो वो भी मैंने जो है ना उठा कर रख दिया है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से जो है सर्दी अच्छे से मतलब लगने लगी है तेज़, और आजकल जो है धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही खूब तेज़ वाली जो है ना ठंड आ गई है। तो मैंने ना इसी वजह से कि मतलब हाथ पैर भी सिक जाएंगे और थोड़ा वार्म वार्म भी लगेगा, तो मैंने ना हीटर निकाल लिया है और उसका जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आज मैंने सुबह का नाश्ता ना उसी पर ही बनाया,
तो हाथ वाथ भी सेक लेते हैं, जैसे कि ठंड हो, बिल्कुल ठंडे ठंडे से हो जाते हैं ना, हाथ पैर गलने लगते हैं, तो उसके पास में बैठ जाओ तो थोड़ा सा जो है वॉर्म लगता है और हाथ पैर भी जो है ना ठीक हो जाते हैं, मतलब गर्माहट से बेहतर हो जाते हैं। तो बस वही जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। और फ्रेंड्स चाय वगैरह हो गई है मेरी मेरी बेटी की, और उसके बाद में बस मैं लग गई अपने घर की क्लिनिक में, घर के कामों में, क्योंकि सुबह देर से उठने पर भी जो है ना निपटा ही लेती हूँ मैं अपने घर के सारे काम टाइम पर, क्योंकि हस्बैंड को आना होता है दोपहर लंच करने के लिए, और बेटा भी आ जाता है दोपहर में ही, मतलब करीब 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो वो भी आ जाता है, तो उसको भी जो है दोपहर में लंच देना ही होता है। तो बस लग गई हूँ मैं अपने घर के कामों में फुल स्पीड के साथ में, मतलब एक तरह से जो है ना मशीन की तरह लग गई हूँ, और घर के सारे काम निपटाने हैं मुझे फटाफट से। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ना मेरे पिछले वीडियो को, जो मैंने बर्थडे व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया ना, उससे पहले जो मैंने अपने व्लॉग जो है अपलोड किए थे, उन व्लॉगों को आपने जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है, तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। सच बताऊँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी कोई ज़्यादा खुशी हुई कि बस मैं जो है ना बयान नहीं कर सकती हूँ। और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद में जो है ना मेरे बेटे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो व्लॉग मेरे इसी वजह से नहीं आ रहे थे, मतलब 2-3 दिन तो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया और ना ही जो है मैंने अपलोड किया, क्योंकि बच्चों की भी दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, और सबसे ज़्यादा जो तबीयत ख़राब थी ना तो वो मेरी बेटी की थी, और इनके मेरी तो खैर पहले से ही चल ही रही थी, और बच्चों के साथ साथ तो फिर जो है तबीयत का और भी ज़्यादा ख़राब होना जो है हो ही जाता है, मतलब एक अलग जो है टेंशन सी हो जाती है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो अपनी थी तो इतनी मुझे जो है ना ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन जब से दोनों बच्चे मेरे पड़े हैं ना तो फिर जो है ना मुझे टेंशन हो गई है बहुत, और इनके चक्कर में ही पूरा दिन मेरा निकल जाता है, मतलब बेटी तो मुझे अपने पास से हिलने ही नहीं देती है, तो बहुत जो है ना मुश्किल मतलब टाइम मेरा गुजर रहा है, सच बताऊँ ना बहुत ही ज़्यादा। और अभी पीछे भी जो है करीब 1-1.5 महीना पहले भी मेरे दोनों बच्चों की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इनको जब भी जो है ना मतलब तब भी बहुत तेज़ हाई फीवर का जो वायरस चल रहा था वो हो गया था, और अब फिर से दोबारा से जो है इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब जब मैंने शुरू में अपना चैनल को स्टार्ट किया था ना तब भी इनकी बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी दोनों बच्चों की, और इनके ही चक्कर में जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरी तो तभी से ही तबीयत ठीक ही नहीं चल रही है, लेकिन यह है कि फिर भी ये था कि चलो मेरी अपनी ही है, अपने बड़े हो, हम लोग तो बड़े हैं तो संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी वजह से ना, इसी रीज़न की वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान ना पूरी तरह से जो है मेरे चैनल पर था, आप सभी के ऊपर था, और जो है माशाल्लाह आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को इतना कोई ज़्यादा पसंद किया ना, सच बताऊँ दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ मेरा इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे प्यार देते रहिएगा, मुझे आप सभी के प्यार की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थैंक यू सो वेरी मच। सो फ्रेंड आप सभी ने देखा कि सभी का जो है, सभी का नहीं मतलब घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, साफ़ सफाई के, घर की रूम को क्लीन कर किया, पूरे फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह करने के बाद में झाड़ू पोछा जो है वो मैंने कर दिया है, घर को जो है मतलब सबसे पहले मैं अपने घर को ही क्लीन करती हूँ, किचन विचन वगैरह को सब मैंने क्लीनिक वगैरह करने के बाद में ना, अब जैसे कि मैं देर से उठी थी सुबह लेट, मतलब देर से उठने पर भी जो है मुझे अब जो है ना घर के सारे काम उसी टाइम पे फटाफट से निपटाने होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, साथ ही साथ जो है बेटा भी अपने स्कूल से आ ही जाएगा, तो उनके आने से पहले पहले ही जो है ना मुझे दोपहर का लंच तैयार करना होता है। और फ्रेंड्स आज मैं ना आप सभी को बहुत अच्छी प्यारी सी रेसिपी देने वाली हूँ, तो आज दोपहर लंच में मैं बनाऊँगी चिकन और चने की दाल, बहुत अच्छी, मतलब सच बताऊँ ना बहुत अच्छी प्यारी सी रेसिपी है ये, तो आप लोग जो है ना इसको ज़रूर मतलब एक बार ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स बर्तन वॉश नहीं किए हैं मैंने, बर्तन ना सारे जो है समेट कर मतलब उठाकर ना मैंने यहाँ रख दिए हैं टंकी के पास में,
पहले मैं जो है ना अपने लंच की तैयारी करूँगी, लंच बनाने के बाद में जो है ना फिर उसके बाद में बर्तन वॉश करूँगी। फ़िलहाल अभी जो है मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो फ्रेंड्स मैंने प्याज वगैरह कट कर ली है, दाल को जो है मैंने अच्छे से वॉश करके जो है ना गर्म पानी में रख दिया है उसको भीगने के लिए। अच्छा, गर्म पानी में दाल को, दाल हो चावल हो या कोई भी चीज़ अगर हम भीगने के लिए रखते हैं ना और कम टाइम हो हमारे पास में, तो अगर गर्म पानी के अंदर भिगो कर रखो ना वो जल्दी गल जाती है। दाल गलानी हो या चावल जो भी हमें गलाने हो तो गर्म पानी में रख दीजिए वो बहुत, अगर हमें आधा घंटा जो है ना गलानी है ना कोई भी चीज़ दाल वगैरह, तो वो 10 से 15 मिनट में ही अच्छे से गल जाएगी। तो बस मैंने गरम पानी में जो है दाल को गलाकर रख दिया है और यहाँ देखिए गरम मसाला निकाल लिया है। चिकन को भी मैंने बढ़िया से वॉश करके जो है ना रख दिया है। और आज मैं जो बना रही हूँ ना दोपहर का लंच, तो फ्रेंड्स वो मैं उस पर हीटर पर ही बना रही हूँ क्योंकि ठंड जो है ना मुझे लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि आज ना बिल्कुल भी धूप का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं जो है कुकर में ऑयल डालने के बाद में ना रख दिया है मैंने गरम होने के लिए, ताकि वो बढ़िया से गरम हो जाए। जब तक ऑयल गरम होता है तो जो है ना ये लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था, तो इसको भी जो है ना मैंने फील कर लिया है, लाल मिर्च पाउडर को भी भर लिया है। और यहाँ देखिए प्याज अच्छे से बढ़िया से जो है गोल्डन फ्राई हो गई है। तो सारे गरम मसाले और तेज़पत्ता वगैरह डालने के बाद में ना मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद में डाल दिया है चिकन, और साथ ही साथ मतलब चिकन को कुछ सेकंड मैंने भूनने के बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है करीब 1.5 चम्मच। उसके बाद में जितने भी बेसिक मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, वो सारा कुछ जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और कुछ सेकंड जो है, कुछ सेकंड नहीं मतलब 1-1.5 मिनट सारे मसाले डालने के बाद में ना चिकन के साथ में अच्छे से उनको भून लिया है। और इस तरह से सच बताऊँ ना बहुत अच्छा जो कलर आता है हमारी सब्ज़ी में, कोई भी चीज़ हम बनाएँ उस तरह से तो बहुत अच्छा जो है कलर आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है लुक देखने में। और थोड़ा सा पानी रख डाल कर ना मैंने उसको रख दिया है पकने के लिए। तो मैंने जो है ना विसल्स नहीं लगाई है, मतलब सीटी नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं इसको जो है ना खुला ही भूनूंगी चिकन को। तो देखिए बढ़िया से जो है चिकन मसालों के साथ में जो है ना भुन गया है। तो मैंने जो दाल रखी थी गलाने के लिए वो इसके अंदर ऐड कर दी है और दाल बढ़िया से जो है गल भी गई थी, मतलब पानी बहुत तेज़ गर्म था ना बॉयलर में, तो मैंने दाल को गर्म पानी में गलाने के लिए रख दिया था। वो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ही मतलब गल गई है। मैंने जो है रख दिया है दाल को डालने के बाद में ना पानी डालकर पकने के लिए। जब तक मेरी दाल पकेगी तो मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ, और 2 से 3 विसल्स ही मैंने दी थी और उस दाल ना बहुत ज़्यादा गल गई। लेकिन दाल तो गल गई और खाने में बहुत ही ज़्यादा कोई टेस्टी था, सच बता रही हूँ। चने की दाल चिकन इतना कोई यम्मी हो गया था ना कि हस्बैंड जी ने भी खाकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ की, और जो है मेरे बच्चों ने भी, और हस्बैंड ने तो ये कहा कि अब ना जल्दी जल्दी बना लिया करना चिकन के साथ में, मतलब चने की दाल जो है ना बहुत टेस्टी लगा। तो देखिए बिल्कुल जो है ना खड़ी खड़ी सी नहीं रही है, जैसे कि बिल्कुल खड़ी खड़ी सी होती है ना दाल, उस तरह से नहीं हुई है, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा गल गई है। वैसे टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, बस दाल को कम गलाना। और फ्रेंड्स इसके बाद में जैसे अच्छे से दाल और चिकन बनकर तैयार हो गया था, तो मैंने गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर जो है ना अच्छे से मिक्स कर और 1-1.5 मिनट के बाद में ना मैंने कुकर को नीचे उतार लिया है। और फ्रेंड्स बस अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आटा तो मैंने तभी लगा लिया था जबकि मेरी चिकन और दाल पक रहे थे, और आटा लगाने के बाद में बस मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। उतने में ही क्या हुआ, पहली रोटी ही मैंने डाली थी तो लाइट जो है ना चली गई है, तो फिर बस मैंने फ़ौरन से जल्दी जल्दी गैस पर ही मतलब खड़ी हो गई थी रोटियां बनाने के लिए। तो हमज़ा भी अपने स्कूल से आ गया है और अपने जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह उसने चेंज कर ली है, और अब वो जो है दोपहर का लंच कर रहा है। तो बच्चे को जो है ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसीलिए बस मैंने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह की, मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारा कुछ करने के बाद में ना किचन को क्लीन वगैरह करने के बाद में बर्तन मैंने छोड़ दिए कि नहीं बर्तन ना मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि दोपहर लंच के भी बर्तन जो है ना काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो मैंने कहा सब ना एक साथ ही धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है मैंने जो है ना बच्चों को लंच करा दिया है, हस्बैंड भी अपना लंच करने के बाद में ना चले गए हैं, और रोटियां वगैरह मेरी सब बन गई हैं, सब ने खाना खा लिया है, बस अभी जो है ना मैंने ही नहीं खाया है।
तो फ्रेंड्स बस यहाँ जो है मैं किचन को कर रही हूँ क्लीन। गैस चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, काउंटरटॉप को भी साफ़ कर दिया है। जब हस्बैंड दोपहर लंच करने के लिए आए थे ना, लंच में मतलब आए थे करने के लिए, तो साथ ही साथ ना वो ये सिंघाड़े लेकर आए थे, ये बॉयल होने वाले सिंघाड़े जो उबाल कर नहीं खाते ना वो। और फ्रेंड्स बस किचन विचन को मैंने क्लीन कर दिया है, सिंघाड़े मैंने देख आप लोगों को जो है दिखा दिया है कि हस्बैंड सिंघाड़े लेकर आए थे, उनको बहुत पसंद है। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ अपना लंच, तो मैंने अपना खाना निकाल लिया है। आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी मेरे साथ में लंच कर लीजिए। और फ्रेंड्स लंच वगैरह मैंने कर लिया है, लंच करने के बाद में ना मैंने एक कप चाय भी ली, क्योंकि मैं दोपहर का लंच हो या डिनर उसके बाद में ना थोड़ी देर बाद में मैं चाय लेती ही हूँ। मुझे ना आदत है, पता नहीं क्यों, वैसे ये आदत ठीक नहीं बोलते, मतलब सब लोग कहते हैं कि फ़ौरन खाने के बाद में ना चाय नहीं लेनी चाहिए, और लेकिन बस मुझे ना हैबिट है, मुझे होने लगती है, इतना सारा काम जब मैं करती हूँ ना चाय की क्रेविंग होने लगती है। तो बस मैंने लंच वगैरह किया, चाय ली एक कप, और बस फ़ौरन से ही मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में। मतलब जैसे कि पानी गर्म हो रहा था ना, तो मैंने बाल्टी से भरकर बॉयलर के अंदर पानी डाल दिया, और उसके बाद में फ़ौरन से ही बैठ गई हूँ मैं बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे वॉश हो गए थे। और फिर जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी मैं निकाल लेती हूँ, जैसे कि चकला बेलन होता है, पकड़ होती है, और चिमटा वगैरह होता है ना, वो सारे मतलब जितने भी किचन के बर्तन होते हैं ना, वो सारे मैं जो है एक्स्ट्रा बर्तन भी धो लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सब चीज़ें किचन की क्लीन हो, नीट एंड क्लीन हो, और चमकती रहें, और जो है ना सब चीज़ें साफ़ हों, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि सुबह देर से उठने पर भी ना कैसे निपटा लेती हूँ मैं अपने घर के सारे काम टाइम पर, वो भी। तो ये मेरा जो है ना मॉर्निंग क्लिनिक रूटीन, पूरा मतलब रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कैसा लगा फ्रेंड्स आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये ना मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ मेरा आप लोग सपोर्ट करना। आप लोगों की सपोर्ट के बिना ना, मतलब आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सच बता रही हूँ। आप लोग ही मेरी जो है ना मेहनत का नतीजा हो, मतलब आप लोग ही हो जो मेरी मेहनत का नतीजा दे सकते हो मुझे। और एक प्यारा सा कमेंट करना, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स ये सारे काम करने के बाद में अब मिला है मुझे खुद के लिए टाइम, तो बस मैंने हाथ मुंह वगैरह धोया, अब मैं चोटी वगैरह करूंगी, और इस वीडियो को भी फ्रेंड्स मैं अपने करूंगी यहीं पर एंड। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।